जी फारूक साहब, आपका बैकग्राउंड क्या है बेसिकली? बेसिकली मैं एक सिटी बैंक में जॉब करता हूँ। एज अ आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम फ्रॉम द डेस्कटॉप सपोर्ट एंड आफ्टर दैट आई एम मैनेजिंग सर्वर सपोर्ट वॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर। सो राइट नाउ आई एम मैनेजिंग कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर और ओके उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। ये बेसिकली मेरी जॉब का टाइटल है। ओके आर यू करंटली रिजाइड इन कराची और आउटसाइड? कराची मैं कराची में हूँ। कराची में होते हैं। ओके ओके सो आई थिंक मतलब आप नेटवर्किंग से रिगार्डिंग आई थिंक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये डेवलपमेंट करते हैं। कंप्लीट नॉट अ डेवलपमेंट साइट। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस डेस्कटॉप सपोर्ट सर्वर वॉइस ओके नेटवर्क ओके राइट, राउटर स्विचेस एवरीथिंग। और ये सारा राउटिंग स्विच, मतलब जो सर्वर साइड होती है इसकी इस तरफ। जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पे दोस्तों। ओके ओके राइट ओके सो बेसिकली एज यू नो के आवर प्रोजेक्ट टाइटल, कोर्स टाइटल इज बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो माय नेम इज एज यू नो के सर फहीम हैदर है। आई एम बेसिकली करंटली द असिस्टेंट प्रोफेसर इन ससई यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आई एम बेसिकली माय कंसर्न्ड एरिया इज बेसिकली राइट इज ऑल कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑल दिस थिंग्स ना, लाइक आईओटी एंड ऑल दिस थिंग्स। सो आई एम करंटली डूइंग द पीएचडी एज वेल इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो बेसिकली इसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में थोड़ा सा, आपको आइडिया है क्या होता है, क्या कोर्स कंटेंट्स होते हैं थोड़ा बहुत, अगर आप, आपसे मैं एक इनपुट लेना चाह रहा हूँ। नॉट को मतलब इस तरह आइडिया नहीं है कि जो प्रोफेशनल वे में आप कह रहे हैं जो बेसिकली वो है। बेसिकली मैं प्रोजेक्ट मैनेज करता हूँ इन आर फॉर्म एज वेल। लेकिन जो बेसिक उसकी तरह होते हैं ना कि बेसिक आप ये स्टेप्स हैं वो मुझे नॉलेज नहीं है। और आई प्लान टू परफॉर्म मैं इसको एक कंप्लीट जो है ना ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन भी प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वार्टर में। ओके ओके राइट ठीक है ओके एग्जैक्टली आप दर से बात इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी खैर डे टू डे एक्टिविटीज तो इस तरह से होंगी कि आप यू आर मैनेजिंग सम प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, जो कि पैरेलली भी आप मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो बट इसको जाहिर सी बात है हम अगर एकेडमिक शेप के अंदर लेके आएंगे, लाइक यू आर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, बट इसको एकेडमिक शेप के अंदर आप लेके आएंगे तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड, यू कैन से के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। यानी आप डे एंड के ऊपर जाहिर सी बात है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यही चीज देखनी है कि हाउ इट इज रिलेटेड टू योर नॉर्मली, लोग जाहिर सी बात है वो यही चीज है कि मैनेज तो कर रहे होते हैं अपनी जॉब में और ये, बट उसमें ये है कि हम उसको जो एकेडमिक शेप है वो देना चाह रहे हैं बेसिकली। कि जाहिर सी बात है आप जब सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहां पे आपकी जो मतलब कोर नॉलेज है रिगार्डिंग योर वर्क एंड योर एकेडमिक एज वेल, बिकॉज जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जाते हैं तो वहां पे स्ट्रेट अवे आपके पास जो एकेडमिक क्वेश्चंस होते हैं वो आप जब ही डील कर पाएंगे जब आप उस एकेडमिक एनवायरमेंट से या इंस्टीट्यूशनल एनवायरमेंट से निकल के आप वहां पे जाते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू के व्हाट्स योर लास्ट डिग्री? लास्ट डिग्री बेसिकली मैं सर्टिफिकेशन तो आई हैव अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम वेनवेल। मेरी डिग्री जो है वो ग्रेजुएशन है इन कॉमर्स साइड ओके एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम वेनवेल। और लास्ट मैंने सर्वर एंड एक्सचेंज की सर्टिफिकेशन की थी। ओके सर्वर एंड एक्सचेंज, ओके राइट राइट। सो बेसिकली मैं सर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा और रिगार्डिंग आपके कोई क्यूरी हो आई कैन आंसर यू। बेसिकली हमारा जैसे ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरा एक पैकेज है जिसमें आप काफी सारी चीजें बेसिकली मैनेज कर रहे होते हो, तो इसमें हम लोग, अच्छा जो करंटली जो चीजें चल रही हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, हम लोग पीएम बुक 6 को फॉलो कर रहे हैं एक तो इसमें नंबर वन, राइट, जो कि इस वक्त करंट जो है लेटेस्ट आपके पास पीएम बुक है, ठीक है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखोगे, जस्ट प्लीज वेट अ वाइल, ठीक है।
राइट, तो इसमें हम लोग जो बेसिकली चीजें थोड़ी सी क्रिएट करनी है हम लोगों ने, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? स्क्रीन आ रही है। ओके, इसमें हम लोगों ने नॉर्मली जो हमारा पूरा कोर्स आउटलाइन बेस कर रहा है वो टोटली आपके पास जो प्रोजेक्ट नॉलेज एरियाज है, ठीक है, प्रोजेक्ट नॉलेज एरियाज से रिगार्डिंग जिसमें आपके पास जो ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज बेसिकली योर इफ यू सी द प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, राइट, और इसमें हम लोग कुछ स्कोप मैनेजमेंट की भी बात करेंगे, फिर रिगार्डिंग दैट हम इसमें कुछ शेड्यूल मैनेजमेंट की बात करेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, राइट, इसके अलावा हम लोगों ने राइट क्वालिटी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ठीक है, और प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट जो है, इन सब चीजों को डिस्कस करना है हम लोगों ने। तो इसमें ये तो खैर एक हमारा एक ओवरव्यू है कोर्स आउटलाइन का, लेकिन इसमें हम अगर बहुत ज्यादा इंटरनल इसके अंदर अगर इसको जाके देखेंगे तो इसमें हर बेसिकली कोर्स प्रोजेक्ट या जो भी आप नॉलेज एरिया इसके डिफरेंट फेजेस हैं। लाइक अगर आपको थोड़ा सा ये है कि इसमें आपके पास जो है इनिशिएटिंग फेज है, प्लानिंग फेज है, कि अगर आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं कोई भी, आप अपना एक शॉर्ट स्केल प्रोजेक्ट लेते हैं या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लेते हैं, तो उसके जाहिर सी बात है कुछ फेजेस होंगे जिनमें आपको किस तरह से मूव करना है, ये असल चीज है ना, आपको हर कुछ हर फेज के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, राइट, और जाहिर सी बात है हम जब ऑफिस एनवायरमेंट में होते हैं तो हमारा जो डे टू डे टास्क होता है वो हम लोग क्या कर होते हैं उसको वैसे रेगुलरली परफॉर्म तो कर होते हैं, लेकिन उसको एक तो सबसे बड़ी बात यह कि उसको एक तो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ले लेके आते हैं, राइट, तो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जब तक लेके नहीं आएंगे तो वो सारी चीजें एट टाइम्स जो है कभी कभार आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इफ इफ अगर आप कोई आगे जाके कोई भी एक्टिविटी को रजिस्टर कराना चाहते हैं या कोई भी प्रीवियस ईयर की एक्टिविटी को कैटर करना चाहते हैं कि लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या एक्टिविटी की थी और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज हायर किए थे, तो वो सारी चीजें जाहिर सी बात है जब तक हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते तो हमारे पास मिसिंग होगी, राइट, तो इसलिए इसमें काफी सारी चीजें ये कि ये आपकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी आपने मेंटेन करनी है कि आप जो भी एक्टिविटीज वर्बली या जिसको कह सकते हैं आप ऑन रिटन फॉर्म में करें उसको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन शेप के अंदर लेके आना है ताकि आपकी सारी एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपरली मॉनिटर्ड हो, राइट, बिकॉज इसमें आगे जाके काफी सारे अपने यही देखना है कि हमने हर एक्टिविटीज को बाकायदा मॉनिटर भी करना है और उसको कंट्रोल भी करना है, ठीक है ना, उसको डे एंड पे या वीकेंड के ऊपर जो है, या अगर आप कहते हैं कि अगर लेट सपोज मंथ एंड के ऊपर आप उसको पाइल अप करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार वेयर आई एम मिसिंग, राइट, और कहाँ पे मेरे पास और किस फेज के अंदर ना वो कुछ डेफिशिएंसी आ रही है जिसको मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, तो वो डेफिशिएंसी जाहिर सी बात है जब भी आपके पास सॉर्ट आउट होती है जब आपके पास आप पर्टिकुलर चीजों को मॉनिटर करते हैं और उसको एक डॉक्यूमेंटेड शेप के अंदर लेके आ जाते हैं, राइट, तो इसमें हम लोग ये हाँ इसको हमने इसी तरह से करना है कि इसमें जो भी चीजें डॉक्यूमेंटेशन शेप होंगे वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, मतलब किस तरह से करनी है ये चीजें आपको आइडिया देंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है। अच्छा, लेटेस्ट आप लोगों से मैं अभी डिस्कस किया है कि हम लोग पीएम बुक 6 को फॉलो कर रहे हैं ना, तो जस्ट प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। तो ये हमारा पूरा इसका हैंडबुक भी है पीएमपी की, राइट, इसमें सारे आपके जो, क्योंकि हम जाहिर से बताते पीएमआई आपको पता होगा एक बॉडी है जो कि इसको पूरा प्रोग्राम को मैनेज कर रही है, तो ये इसका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आपके पास पूरा इसका ये सॉरी कि किस तरह से आप अपना एक पूरा ये प्रोसेस, मतलब जब आप इंशाल्लाह सर्टिफिकेट आप कर लेते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो आप किस तरह सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स, ठीक है ना, तो उसके लिए आपके पास प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंटेड के अंदर आपके पास मौजूद है, राइट, तो इसके अलावा कोर्स कंटेंट हमारे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा, खैर इसमें इंफॉर्मेशन है कि एप्लीकेशन आप कैसे प्रोसेस करोगे और ये सारी चीजें इसमें आती है। अच्छा, जस्ट इसमें आपको एग्जैक्टली अगर इसमें पूरे ओवरऑल अगर आप देखते हैं पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, राइट, जी
पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, तो ये बेसिकली हमने इसको, ये इसके डिफरेंट डोमेन हैं, उसके अंदर कुछ टास्क हैं और कुछ उसके नॉलेज हैं और कुछ स्किल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रॉम द स्टार्टिंग आपको ये पता, मतलब ये आगे जाके आपको ये कि पूरे जो इसके जैसे लेट्स सपोज 5 फेजेस है ना, दीज आर इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। ये डिफरेंट इसके फेजेस हैं, हर फेज के अंदर आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज जैसे हमारा जो डोमेन वन है वो इनिशिएटिंग है, तो इनिशिएटिंग के अंदर ये देखें आपको मार्क हुआ है 13%। 13% का मतलब क्या है कि टोटल जो हमारे पेपर में जो, मतलब जो हमारा फाइनल सर्टिफिकेशन होगी उसमें जो वेटेज है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, वो इनिशिएटिंग से 13% है, राइट। तो 13% आपने इनिशिएटिंग से प्लान करना है। इसके अलावा जो प्लानिंग फेज है, मतलब पूरा जो जितना भी प्लानिंग के अंदर आपका क्यूरिकुलम है उसमें से 24% वेटेज जो है आपका, वो जो है वो प्लानिंग फेज से बिलोंग करता है। सेम लाइकवाइज अगर आप थोड़ा सा मूव करेंगे कि इसमें एग्जीक्यूशन फेज है जैसे, तो एग्जीक्यूशन से आपके पास 31% वेटेज है, राइट। तो इस तरह से बाकायदा ये प्रॉपर जो है यहाँ से कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग जो है, ये फेज जो है हमारा जैसे इससे 25% आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक टारगेट वैल्यू समझे हमें सेट कर दिए कि हमने अगर पेपर सर्टिफिकेशन के लिए जाना है तो हमें पता हो, टारगेट हो कि हम किस एरिया को ज्यादा टारगेट करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से एरिया से ज्यादा आएंगे, तो ताकि आपकी सर्टिफिकेशन के लिए ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी दिमाग में हो, तो आप जाहिर सी बात है इसके हिसाब से ही परफॉर्म करेंगे। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? तो जी क्लियर। जस्ट मुझे एक क्वेश्चन था, ये जो आपने बुक का वर्जन बताया, हाउ फ्रीक्वेंट इज चेंज, के न्यू वर्जन कितनी फ्रीक्वेंट रिलीज होते हैं, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी, फिक्स फ्रीक्वेंसी है या जस्ट रैंडम मैं ये अभी जो लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्टर। चल रहा है, अभी जो करंट कोर्स आउटलाइन चल रहा है, दैट इज बेसिकली पीएम बुक 6, राइट। और ये मेरे ख्याल से आपके पास, ये मेरा जहाँ तक है इसमें तकरीबन 4 या साल 5 या साल के बाद जो है ना, ये बेसिकली इनका मॉड्यूल चेंज हो जाता है, मतलब ये कोर्स आउटलाइन, ये यू कैन से के चेंज नहीं होता, चेंज से मुराद तो ये होता कि हम पूरा चेंज करें। इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक जो डोमेन होते हैं उनको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो पूरा चेंज नहीं होता उसमें, ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो कि चेंज कर दिए जाते हैं, पूरे बाकी नॉर्मली तो सारी चीजें 90% तो वही रहती हैं। तो ये है कि जी वो अगर आप जस्ट अपग्रेड उसको करते होंगे, अपग्रेड कुछ एग्जैक्टली और मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, उसको अपग्रेड कर देते हैं, जो उस पर पुराने टॉपिक्स होते हैं नॉर्मली जो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, तो उनको हटा के उनकी जगह पे कोई नए टॉपिक इन्वॉल्व कर देते हैं जो कि करंट किसी डोमेन का पार्ट होते हैं। तो चेंज से मुराद यहाँ पे ये है, बाकी नॉर्मली सारी चीजें तो सेम ही रहती हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप पीएम बुक 5 और 6 में अगर कंपेरिजन करेंगे तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ टॉपिक्स उसमें जो है जो ऑब्सोलीट हो गए उनकी जगह कुछ नए टॉपिक्स ऐड हो गए, दैट्स इट, बाकी ऑल आर थिंग्स आर सेम। तो राइट ये आपको इसमें परसेंटेज की वेटेज में भी नजर आ रहा है कि हमारे पास ये इसका इतना वेटेज है सॉरी, और हर टॉपिक से आपके पास ये परसेंटेज, यानी ये टेस्ट का फॉर्मेट है, यानी आप जब पेपर देने जाते हैं तो लेट सपोज आपके पास 100 क्वेश्चन है, आई एम अज्यूमिंग, तो 13% इनिशिएटिंग से आएंगे, 24% आपके पास प्लानिंग से आएंगे, 31% एग्जीक्यूशन से आएंगे, 25% आपके पास मॉनिटरिंग से आएंगे, और क्लोजिंग 7% से आएगी, राइट। तो ये हाँ, तो आप जाहिर सी बात है ये आपको जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको एक टारगेट सेट हो जाएगा कि एग्जीक्यूशन में 31% है और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में भी 25% है, तो आप फिर अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको टारगेट कर सकते हैं। और राइट तो ये है इसमें, बाकी इसमें अच्छा कुछ की चीजें जाहिर सी बात है सॉरी कुछ चीजें इसमें क्रिटिकल थिंकिंग से बिलोंग करती हैं और कुछ चीजें आपकी जो मेमोरी स्किल्स हैं उसको भी यूज करने होते हैं। तो इसमें क्योंकि इसमें काफी सारे प्रोसेसेस हैं हमारे पास, यहाँ पे टोटल जो है 49 प्रोसेसेस हम यूज करते हैं पीएम बुक के अंदर, तो 49 प्रोसेस के इंडिविजुअल जो ITTOs हैं, ठीक है, यानी उसके जो इनपुट्स हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं और जो आउटपुट्स हैं वो अलग अलग हैं। हर जो टास्क है, हर उसके 49 के अलग अलग टूल्स या एग्जैक्टली कुछ सिमिलर्स हैं। हमारे पास जैसे 49 प्रोसेस हैं टोटल जी पूरे पीओ इसके अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो करंट जो पीएम बुक 6 है,
उसमें आपके पास टोटल 49 प्रोसेस है, राइट? एंड ईच प्रोसेस कंटेन्स सम इनपुट, सम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सम आउटपुट, राइट? तो वो अलग बात है कि वो रिपीटेडली घूम घूम के एक ही चीज आ रही होती है, लेकिन जाहिर सी बात है आप ट्रीट तो उसको इंडिविजुअली करोगे ना 49 प्रोसेस, ठीक है? तो उसको थोड़ा सा कुछ जगह पे आपका मेमोरी का पार्ट यूज होगा उसको याद रखने में, जाहिर सी बात है अकेडमिक है तो कुछ जगह पे आपकी मेमोरी यूटिलाइजेशन भी होगी, बट द वेरी इंपॉर्टेंट, कब से काम कर रहे हैं आप कितने बैंक में? जी हो गए ऑलमोस्ट 14 इयर्स, ओके. So you have, mashallah, you have quite experience, right? तो ये experience भी आपको help out करेगा for project management, क्योंकि इसमें जो real time scenarios होते हैं, sorry, इसमें आपके जाहिर सी बात है जो experiences हैं, जाहिर सी बात है वो आपके real time scenarios हैं. तो project management भी यही है कि जो इसका paper होता है normally वो real time scenarios के ऊपर भी base कर रहा होता है. सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि specific कोई definitions हैं और ये, इसमें कुछ real time scenarios होते हैं, राइट? जी राइट. तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं टू कोप अप द सिचुएशन, क्योंकि इसमें डिस्कस कर बाद में किसी से डिस्कस करेंगे कि किस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, राइट? तो वो जो आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है ना, वो भी आपको काफी हेल्प आउट करता है टू केटर दीज ऑल थिंग्स, राइट? तो अगर मैं आपको इसमें एक जनरल रफली आइडिया देना चाहूँ, लेट सपोज आपको ये नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे ना, तो ये देखिए, जैसे लेट सपोज ये इनिशिएटिंग है एक फेज ना. अब इनिशिएटिंग में आपके पास यू कैन से कि देखें इसमें कुछ प्रोसेस है. लेट सपोज यू हैव अ प्रोसेस डेवलप द प्रोजेक्ट चार्टर, तो अब इसके इनपुट्स भी हैं और इसके टूल्स एंड टेक्निक्स भी हैं और इसके कुछ आउटपुट्स भी हैं. तो इस तरह से ये इंडिविजुअली पूरा एक चार्ट है जिसको मेमोराइज तो नहीं करना आपने बेसिकली, बट ये यू शुड हैव एन आइडिया के हाउ इट इज रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो वो आप जब कर रहे हो तो चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है? हेलो जी 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 राइट. अच्छा, इसके अलावा ये तो जाहिर सी बात है अकेडमी नहीं, उसके अलावा हम लोग इसमें सब कुछ टूल्स के थ्रू, जैसे हमारे पास MS प्रोजेक्ट है तो हम कुछ प्रोजेक्ट्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है? कि लेट सपोज अगर आपको प्रोजेक्ट का गैंट चार्ट क्रिएट करना है या, ठीक है ना, तो वो किस तरह से क्रिएट होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं MS प्रोजेक्ट. यानी हैंड्स ऑन अगर आपको उस पर कुछ प्रैक्टिस करनी है तो हम उसके लिए जो चार्ट मतलब टेबल यूज कर रहे हैं दैट इज फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, कि यानी आपको कोई एक्टिविटी क्रिएट करनी है कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो आप हम उसके लिए MS टूल यूज कर रहे हैं बेसिकली ना. MS प्रोजेक्ट का टूल है तो वो उसके थ्रू हम उसको केटर करके देखते हैं कि आइदर क्या वो चीजें जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो वाकई में हो भी रही हैं या सिर्फ वो थ्योरेटिकली सिर्फ बिलोंग कर रही हैं. एक मिनट देखा जैसे मैं चल गया. यस, जैसे ही आपके पास देखिए एक गैंट चार्ट क्रिएट हुआ है, राइट? ये अब हमने कुछ एक्टिविटीज प्लान किए हैं, कोई प्रोजेक्ट है उसको प्लान किया है, ठीक है ना, और उसका हम देखना चाह रहे हैं कि इसका गैंट चार्ट किस तरह से क्रिएट होगा, टाइमलाइन किस तरह से क्रिएट होगी. तो ये हमने एक टूल्स के थ्रू जो है गैंट चार्ट को बनाया कि किस तरह से ये क्रिएट होगा. यहाँ पे कुछ टाइमलाइन डिफाइन की हम लोगों ने प्रोजेक्ट की, एक्टिविटीज डिफाइन किए हैं और फिर एक्टिविटीज का कुछ टाइमलाइन ले लिया है, तो उसका हमने एक गैंट चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है. ये चीज क्लियर है? तो हेलो राइट जी 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 क्लियर है राइट. हाँ, तो इस तरह से ये कुछ एक्टिविटीज हम परफॉर्म करके भी देखेंगे थ्योरेटिकली की, ताकि आपको इसका अंदाजा हो कि किस तरह से हम इसको एक टाइमलाइन के ऊपर जिस तरह से जो है ना वो किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं. ये चीज क्लियर है? जी क्लियर राइट. ओके, सो कोई चीज पूछनी है और कोई चीज?
इसमें हमारा कोर्स कंटेंट तो काफी है, मतलब अगर आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास 9 नॉलेज एरियाज हो गए, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास इंडिविजुअली जो है, फिर हमने एक एक जो इनका सिनेरियो है उसको डिस्कस करना है, उसके अलावा इसमें फिर उसके प्रोसेसेस काफी सारे हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अगर लेट सपोज आपके पास एक, ये हमारी बुक है पीएम बुक 6 एडिशन, जिसको मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो करंट बेसिकली बिल्कुल इस वक्त आप पीएम बुक के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो ये बुक है, बुक से हम लोगों ने काफी हेल्प ली। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पढ़ाते वक्त जो प्योर टेक्स्ट बुक है उसी को ज्यादा रेफरेंस बनाऊं, मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है वही हमारे लिए बेसिकली एक गाइडलाइन है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द मेन प्रिपरेशन। ऑल्दो हमारे पास और भी बुक्स हैं जिनको हम रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन ये है कि जाहिर सी बात है ये हमारी मेन बुक है, तो हमने इसी को एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट किया हुआ है, यानी जो भी तैयारी करेंगे वो इस बुक से ही करेंगे, तो हमारे टॉपिक इसलिए कवर हो जाएंगे इसमें, ये जिसके लिए। इसके अलावा हमारे पास और भी रेफरेंसेस बुक है, ठीक है, जिसको हम फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हम एक तरह से एक रेफरेंस बुक यूज करेंगे जिससे हम मजीद हेल्प ले सकते हैं, मतलब जो रियल टाइम सिनेरियोज होते हैं या क्वेश्चन एड्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, बट मेन टेक्स्ट बुक हमारी जो है वो पीएम बुक 6 ही होगी, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है, बजट कैसे मैनेज करना है, ठीक है, रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीजें बेसिकली हम लोगों ने इसमें कवर करनी है ना, इंडिविजुअल नॉलेज एरियाज के हिसाब से। और आपका मेनली इसमें आपके पास के स्टेक होल्डर्स कैसे मैनेज करने हैं, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ना। तो तो इट्स ऑल अबाउट लाइक, एक मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, जैसे आप ये शायद ये चीज है कि अच्छा एक चीज ये भी है कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो 3 चीजों के अराउंड मूव कर रहा है, एक आपकी टेक्निकल स्किल्स, दूसरी आपकी जो है पीपल स्किल्स, और तीसरी आपकी जो यू कैन से के एंटरप्रेन्योर या यू कह सकते हैं कि जो आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजिक जो प्लान्स हैं वो, तो ये पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन 3 चीजों के मूव अराउंड कर रहा है। तो टोटली हम लोगों ने इन 3 चीजों को ही डिस्कस करना है हर टॉपिक से रिगार्डिंग, राइट, क्योंकि पहले जो था पीएमपी वो पीपल मैनेजमेंट की इतना ज्यादा नहीं था, पहले ज्यादातर वो बेस कर रहा था आपका जो है टेक्निकल स्किल्स के ऊपर, लेकिन अब जाहिर सी बात है पूरा जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है उसमें आपके पास बिजनेस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ठीक है ना, तो वो एस्पेक्ट भी आप देखें नए जो पीएम बुक है उसमें ऐड किया गया है, और पीपल मैनेजमेंट और ये सारी चीजें जो है ये भी अब पीएम बुक का पार्ट है, पहले नॉर्मली पार्ट थे लेकिन इतना ज्यादा क्लोजली इसको मॉनिटर नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये बाकायदा आपके क्यूरिकुलम का पार्ट क्रिएट बना दिया गया है। तो मैं इसमें यही कहता हूँ तैयारी कराते वक्त कि भाई इसमें आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी जो मतलब एक तो मेमोरी आपकी यूटिलाइज होती है, जाहिर सी बात है याद करने वाला काम है, नंबर 2 ये कि आपकी जो जाहिर सी बात है जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आपकी जो नॉलेज है या जो आपकी जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो बड़ा मैटर करता है। तो ऑल्दो ये आपने बताया कि आपका माशाल्लाह 14 साल का एक्सपीरियंस है, तो इट्स क्वाइट इनफ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। अच्छा आप जैसे देखें इसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये हमारा स्कोप मैनेजमेंट एक है, प्लान प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट ना, तो इसमें अब इसका आप ये देख रहे हैं कि जैसे लेट सपोज 5.2 कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स, राइट, तो इसमें आप देखें इसके इनपुट्स हैं, देर आर सर्टेन इनपुट्स, कुछ टूल्स एंड टेक्निक हैं और कुछ इसके आउटपुट्स हैं, ठीक है जी। अब ये इनपुट्स में आप ये देखें जैसे लेट्स वो प्रोजेक्ट चार्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है, बिजनेस डॉक्यूमेंट है, एंटरप्राइज इंटरफेक्ट फैक्टर है, ये सारे इसके इनपुट्स हैं, ठीक है जी। और टूल्स एंड टेक्निक हर प्रोसेस, ये देखो जितने भी प्रोसेस हैं आपके पास, यहाँ पे टोटल 6 प्रोजेक्ट्स हैं,
इस प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट के 6 प्रोसेस हैं, लाइक 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 एंड 6. टोटल 6 प्रोजेक्ट प्रोसेस हैं. हर प्रोसेस के आप ये देख सकते हैं कि कुछ इनपुट्स हैं, देर आर सम टूल्स एंड टेक्निक्स एंड देर आर सम आउटपुट्स, राइट? ठीक है, राइट. तो ये सब थोड़ा सा फर्स्ट टाइम तो जाहिर सी बात है आपको ये कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि किसका टूल्स एंड टेक्निक है, इनपुट है, आउटपुट है ये. बट ग्रेजुअली एंड स्लोली जैसे जैसे आप कोर्स से फेमिलर होते जाते हैं तो ये थोड़ा सा आपकी माइंड मेकिंग होती रहती है कि ये वाला जो टूल है ये कौन सी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और कौन से प्रोसेस से रिलेटेड है. इसके अलावा आपको कैटेगराइज भी करना आता है कि ये इनिशिएटिंग में है या प्लानिंग में है या फेज में या कंट्रोलिंग फेज के अंदर आ रहा है. तो ये स्लैली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आप इसको इंशाल्लाह रीड करते हो ना तो ये चीज़ें आपकी आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है. अब जैसे इसमें डिफाइन मुझे एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट, जो आपने इनिशियल बोला था कि 49 प्रोसेसेस है तो आप कह रहे हैं 6 प्रोसेसेस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, जो आपने 49 बोले थे वो? हाँ, 49 जो मैंने ना वो है बेसिकली प्रोसेसेस, ओके. और जो उसमें 5 कह रहा हूँ ना वो है फेजेस, ठीक है? फेजेस एंड प्रोसेसेस आर टू डिफरेंट, टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स, बट दे आर ये दोनों मिल के ही पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बना रहे हैं, ठीक है ना? यानी प्रोजेक्ट फेजेस और प्रोसेसेस ये दोनों मिल के ही पूरा आपका जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्रिएट कर रहे हैं. बट दोनों हैं, दोनों अलग अलग पैरामीटर. यानी प्रोसेस जैसे मैंने आपको दिखाया है ना, प्लान स्कोप मैनेजमेंट है, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स है, डिफाइन स्कोप है, ये प्रोसेस है, ठीक है ना? बट हाँ, बट लेकिन अगर मैं कहता हूँ फेजेस की बात कर रहा हूँ तो फेजेस में मैंने आपको जैसे अभी दिखाया था ना, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, ओके, और इसके बाद जैसे ये आपको फेजेस दिखाए थे यहाँ पे, दीज आर द फेजेस, या यू कैन से कि कुछ जगह पे इसको डोमेन भी कहा गया है. इनिशिएटिंग है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है, क्लोजिंग है, ये फेजेस है, ठीक है ना? और दूसरी चीज में जो मैं कह रहा हूँ वो आपके पास क्या है, प्रोसेसेस है, ठीक? ठीक है, तो ये आपस में बाकायदा एक इंटरेक्शन के बाद ये पूरा, यानी फेजेस या डोमेन्स या जो आप कह रहे हैं प्रोसेस, जब सब आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो आपके पास पूरे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी क्रिएट होती है, राइट? तो इन सब का जानना कि क्या है, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ये हम इंडिविजुअली इसको कवर करते हैं इसके अंदर सारी चीजें ना, तो ये सारी चीजें हैं. तो यहां तक कोई क्वेश्चन? That's clear. अच्छा, जस्ट एक मुझे उसके सर्टिफिकेशन के क्वेश्चंस कितने होते हैं सर, और प्लस उसके पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं? पासिंग मार्क्स इसके, जस्ट प्लीज वेट अ वाइल. हाँ, ये देखें इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 200 होते हैं ना, ठीक है? ओके, 200 क्वेश्चंस होते हैं और पासिंग परसेंटेज आई गेट मेरे ख्याल से 80% तो इसमें चाहिए होते हैं आपको ना, 175 तो वो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्ड क्वेश्चन, मतलब 175 तो इसमें अटेम्प्ट होते हैं. अच्छा, कुछ क्वेश्चन ना 25 शुरू में आते हैं, वो बेसिकली कह सकते हैं आप वो उनका स्कोर काउंट नहीं होता है. तो आप ये समझें कि आपके पास टोटल नंबर 175 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इसमें मैं इसमें बता देता हूँ कि इसमें आपका पासिंग परसेंटेज, बट ऑब्वियसली इसमें 80% तो आपको पासिंग स्कोर चाहिए होता है, ठीक है ना? 80% मीन्स ये कि अगर लेट सपोज मैं 175 ले रहा हूँ, 175 में से तकरीबन आपके मिनिमम 130 से अबव आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि इसका 70 से लेके 75 या 70-80 के दरमियान में आपको पासिंग स्कोर होता है. तो ये चीज है. एक मिनट हूँ,
हेलो जी, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इसमें तकरीबन आपके पास, जैसे आई टोल्ड यू कि तकरीबन हमारे पास 175 क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आपको 130 से लेके मिनिमम 130 क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें सही करने हैं। बाकी आप फिर इसमें इससे ऊपर जाते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो ये और इसका इसकी प्लान सिर्फ वैलिडिटी फॉर 3 इयर्स होती है, 3 इयर्स वैलिडिटी होती है। इसकी वैलिडिटी एग्जैक्टली 3 इयर्स है, उसके बाद आपको रीसर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होगा। वो ओके, आपकी एंड जो 175 क्वेश्चंस होते हैं, ये यू कैन से 100-200 ही होते हैं, वो ऑल आर सिनेरियो बेस्ड होते हैं या कुछ नहीं, जस्ट डिफरेंट डिफरेंट वो, उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, मतलब मिक्स एंड मैच होते हैं बेसिकली ना। तो बट नॉर्मली सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड होते हैं, उसमें मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पास सिनेरियो बेस्ड ही होते हैं। हाँ, और इसकी से ड्यूरेशन कितना होता है, एग्जाम्स का पीरियड, टाइम पीरियड कितना होता है फॉर 200 क्वेश्चन, एग्जाम 1 आवर 2 आवर? ड्यूरेशन, एग्जाम ड्यूरेशन आपके पास, आई थिंक इसमें शुरू में मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस है कि आपको जब अप्लाई करना है ना पीएमपी सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए, तो किस जगह पे कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारा इसका प्रोसेस है। तो ये मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन लिखा हुआ है ना, एलिजिबिलिटी 1 ईयर और ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें अगर आप आएंगे नीचे, ये आपकी रिक्वायरमेंट है आवर्स की और क्रेडिट आवर की, और ये इसमें हाँ, ये देखे ना, इसकी एग्जाम पॉलिसी यही है कि आपके पास अलॉटेड एग्जामिनेशन टाइम जो है वो 4 आवर्स है। ओके, अलॉटेड एग्जामिनेशन टाइम जो है आपके पास 4 आवर है, ठीक है। टोटल इसमें आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन 200 होंगे, और टोटल जो है 4 आवर्स आपके पास जो है ना वो इसके लिए अकोमोडेट किए जाते हैं आपको, इसलिए। और ये सारा प्रोसेस मतलब ऑनलाइन ही होगा, ठीक है ना, ओके, ये चीज है। ये बाकी इसके है कि क्या प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं, और मतलब क्या क्या चीजें अलाउ हैं, ये सारी चीजें इसमें। ये तो खैर रिटन डॉक्यूमेंट है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं बाद में। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये सारी चीजें ना, यहाँ तक क्लियर है। तो ये चीज क्लियर है आपको? जी ये क्लियर सर। सर मुझे जस्ट एक और चीज जस्ट पूछना है, जैसे आपने वो बताया था कि टेक्निकल स्किल, क्योंकि मैं आई एम वर्किंग विद द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, बैंक्स के साथ भी और वो कुछ फर्म्स के साथ भी काम कर रहे थे, तो उसमें सम टाइम आपके टेक्निकल स्किल नहीं होते, तो वो किस तरह मैनेज करते हैं? मैंने ऐसे नहीं, पीएम्स भी देखे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी देखे हैं, दे डोंट हैव अ नॉलेज के उस फील्ड की, उनके पास नॉलेज ही होता है, दे हाँ आर एग्जैक्टली मैनेजिंग मैंने प्रोजेक्ट। ये देखो यही तो आपसे कहा है कि बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ मर्ज ऑफ 3 स्किल्स, लाइक यू शुड हैव अ टेक्निकल स्किल्स, यू शुड हैव सम पीपल स्किल्स, और उसके अलावा आपकी जो एंटरप्रेन्योर या बिजनेस स्किल्स कह सकते हैं आप उसको, वो आपके पास, तो तीनों चीजों का एक वेटेज है, ठीक है ना। और वो मोर और लेस जाहिर सी बात है, एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन, तो वो हर एक के अंदर वेरी कर रहा होता है। किसी की टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं तो वो थोड़ा सा पीपल स्किल्स में लैक कर रहा होगा, कोई पीपल स्किल्स अच्छी होंगी तो फिर वो एंटरप्रेन्योर में कहीं लैग कर रहा होगा। तो ये तो मिक्स एंड मैच होता ही है बेसिकली। लेकिन ऑल दू जाहिर सी बात है, अगर आप आईटी में काम करो तो एक बेसिक लेवल की नॉलेज तो होगी ना आपको, लाइक, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही या अगर लेट सपोज ऐसा भी होता है हमारे पास कि जाहिर सी बात है एट टाइम्स आप उस डोमेन के बंदे नहीं हो लेकिन काम करो, तो वो तो फिर यही है कि आप थोड़ा सा, जाहिर सी बात है जब वंस यू गो इन टू द फील्ड, तो आपको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता पता चलना लगता है कि क्या चीज़ है, क्या प्रोजेक्ट है और उस चीज़ है, तो वो तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्वायर कर लेते हैं ना वो तो चीज़ें, ठीक है ना। जी सर,
तो वो तो जाहिर सी बात है, वंस यू गो इनटू द, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीज वो चीज़ों को अक्वायर कर लेते हैं, तो उसमें तो फिर आप इंशाल्लाह कोप अप कर लेते हैं। अच्छा, इसमें बस यही है कि आपके जाहिर सी बात है जो आवर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं वो काफ़ी मैटर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें ये भी होता है कि जो आपने आपके जो आवर्स हैं वो लीडिंग द प्रोजेक्ट होने चाहिए इसमें, अगर आप देखें तो, ठीक है ना, लीडिंग अ प्रोजेक्ट। अच्छा, ये भी होता है कि मेरे पास लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ऐसे आए थे कि जी ओवरलैपिंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो अलग से काउंट नहीं होते। लेट्स सपोज, जैसे एग्जांपल नजर आ रही है ना, जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जनवरी से लेके अप्रैल तक, और दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप फेबरी से लेके मई तक, तो ये जो बीच का जो ओवरलैपिंग टाइम पीरियड है ना, यानी फेब से लेके अप्रैल तक, दैट वुड नॉट बी द काउंट, द दूसरा प्रोजेक्ट काउंट नहीं होगा, ये एक ही सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर काउंट होगा, ठीक है ना। हेलो, ये चीज क्लियर हो रही है? हाँ, जी राइट जी, उसका प्रोजेक्ट्स रीजन क्या है, क्योंकि बहुत आर डिफरेंट प्रोजेक्ट, अगर बहुत तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, है लेकिन तो देखें आप एक ही टाइम के अंदर उसको अचीव कर रहे हैं ना चीजें, ठीक है ना। अचीव तो आप ड्यूरिंग ये सिंगल टाइम कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए उसको वो एज अ टाइम के हिसाब से वो मैटर कर रहे हैं कि ये आपके एक सिंगल उसके अंदर ही आ रही है, प्रोजेक्ट के अंदर ही। तो नॉर्मली यही होता है कि अक्सर लोग इसमें फिर, जाहिर सी बात है वो तो खैर आपको जब इंशाल्लाह वो जब हो जाती है तो सीवी इस तरह से बना दिया जाता है कि वो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो इतना ज्यादा वो मैटर नहीं करती। वो सीवी बनाने का तरीका होता है कि आप इस तरह से बनाओगे कि वो सारी ओवरलैपिंग वाली जो चीजें हैं ना वो आप काउंट करवा सकते हैं उसको। तो बस ये थोड़ा सा है, मैंने कहा आपसे डिस्कस करने, क्योंकि अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में 8 प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन वो सेम टाइमलाइन के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो जाहिर सी बात है अगर एक ही टाइम के अंदर आप 8 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो या तो आप उनको अलग अलग डेट्स में शो करें, ठीक है ना, डेट्स में अलग अलग शो करें तो वो हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाता है, वो खैर हो जाता है, वो तो इतना मसला नहीं है, तो सारी चीजें हो जाती है। बेसिकली आपके पास 1 ईयर होता है जो आपकी वो पूरी आप एनुअल आप प्रेजेंट करते हैं, आपने जो आपके वो चीजें आपने वो की होती हैं। हाँ एग्जैक्टली, पूरा आपका जो सीवी है मतलब आपकी जो प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, वो प्रोफाइल के अंदर आप सारी चीजें इस तरह से मेंशन करेंगे कि वो अलग अलग एक्टिविटीज लगेंगी आपको, ठीक है ना। तो और प्रोजेक्ट लीडिंग स्टेट में होने चाहिए आप, मतलब यू आर यू शुड बी इन द लीडिंग प्रोजेक्ट ना, तो ये चीजें हैं। यहां तक कोई क्यूरी है? नहीं सर, क्लियर।